तो अभी जस्ट गाइस मैं बस इधर जस्ट नॉर्मली टहल रहा था और मुझे एक बंदे से ये पता चला है कि आगे किसी बिल्डिंग पर एक बहुत ही तगड़ा सूट है। अब मुझे नहीं पता गाइस वो किसका सूट है, कैसा सूट है, बट मुझे वो सूट चाहिए। और उसने ये बताया कि पिंजरे में वो सूट रखा हुआ है, तो डेफिनेटली गाइस ये कोई और नॉर्मल सा सूट तो होने नहीं वाला है, ये पक्का कोई मैजिकल सूट होने वाला है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर्स हो सकती है। तो फिलहाल मैं उसी सूट को लेने के लिए जा रहा हूँ जो कि इस बिल्डिंग पर एक बंदे ने बताया है। फिलहाल अभी इस वाली सामने वाली बिल्डिंग पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। इस वाली बिल्डिंग पर जा कैसे सकता हूँ? अब भाई यार मेरी स्पोर्ट्स बाइक कितनी गंदी हो रखी है भाई, चारों तरफ धूल ही धूल लगी हुई है, पीछे साइलेंसर वैलेंसर में भी धूल देख रहे हो तुम लोग, पहियों की धूल देखो और ऊपर से बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। कोई बात नहीं, लो ये गिर भी गई। एक सेकेंड स्टैंड पे लगाता हूँ इसे मैं। ओके अब ठीक है, अब टिक जा बाइक। ये बाइक्स इतनी हैवी होती है ना भाई, स्टैंड पे भी लगने के बावजूद गिर जाती है। तो इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे जाना है मुझे, बट ये वाली बिल्डिंग तो बंद लग रही है यार। इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे कैसे जाऊं मैं? अरे बंद लग रही है बिल्डिंग, एक सेकेंड चारों तरफ जरा घूम कर देखते हैं, कहीं ना कहीं इधर रास्ता होगा यार। अरे नहीं है भाई, कहीं से रास्ता नहीं है। अबे यार क्या ड्रामा है, ऐसी बिल्डिंग्स लोग बनवाते क्यों हैं जब उस पे रास्ता नहीं बना सकते जाने का। इस बिल्डिंग के बगल में एक छोटा सा गार्डन है, कैसे जाऊं मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे यार, दिमाग खराब हो रहा है अभी मेरा। कोई बंदा भी नहीं है, कोई गार्ड वार्ड भी नहीं है यहाँ पर जिससे मैं पूछ सकूं इस बिल्डिंग के टॉप पर जाने का रास्ता। आई थिंक गाइज कुछ और ही तरकीब लगानी पड़ेगी इस बिल्डिंग पर जाने के लिए, बट क्या तरकीब लगाऊं मैं? मे बी एक काम हो सकता है, इससे ऊंची बिल्डिंग से मैं जंप लगा के पैराशूट से उड़ते उड़ते यहाँ पर आ जाऊँ। हाँ ये सिंपली हो सकता है, यहाँ पर बगल में ही ये बड़ी सी अगेरिकस टावर है, अर्केडियस टावर है, अगेरिकस नहीं अर्केडियस टावर है। इसके ऊपर जाता हूँ मैं, इसके लिफ्ट का यूज़ करता हूँ मैं और फिर सूट तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो, इस वाले टावर की पार्किंग में इधर बाइक को लगा देते हैं और चलते हैं गाइज इस अर्केडियस टावर के टॉप पर। लेट्स गो, और टॉप पर जाने के बाद जंप लगा देंगे ताकि मैं फ्लोट करता करता उस वाली बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाऊं। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। तो देखो गाइस आ चुका हूं मैं इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे, और देखो भाई ऐसी होनी चाहिए ना बिल्डिंग्स जहां पर जाने का भाई तुम्हारे पास कोई ना कोई जरिया हो, कोई ना कोई तरीका हो। अब वो वाली बिल्डिंग है भाई पूरी की पूरी बंद पड़ी है, जहां पर जाने का कुछ पता ही नहीं है। बाकी इस वाली बिल्डिंग से मैं जंप लगा के वहां तक पहुंच जाऊंगा? आई डोंट थिंक सो। अरे मैं तो यहीं गिर गया। एक सेकंड, थोड़ा और आगे चलते हैं यार। हाँ यहाँ से जंप लगाता हूँ मैं, कम ऑन, पैराशूट ओपन। नाइस, बढ़िया तरीके से जा रहा हूँ मैं। ओके इजिली पहुँच जाऊँगा, इजिली। देखा भाई, इसे कहते हैं पैराशूट उड़ाना। क्या मस्त प्यार से ब्यूटीफुल तरीके से गाइस फ्लोट करता हुआ अपने पैराशूट को आ गया मैं। और ये तो एक स्पाइडरमैन का सूट है भाई, और ये भी किसी नॉर्मल स्पाइडी का सूट नहीं है भाई, गॉड स्पाइडरमैन का सूट है। क्योंकि पीछे देखो मकड़ी वकड़ी के जाले वाले सब निकले पड़े हैं इसके, मतलब जाले नहीं मकड़ी के हाथ निकले पड़े हैं। यस गाइस ये देखो इधर की साइड इसके हाथ वाथ निकले पड़े हैं। ये वाला सूट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, मुझे भाई किसी भी कीमत पे ये सूट चाहिए। बाकी यहाँ पर पेपर भी एक पड़ा हुआ है, जरा जल्दी से इस पेपर को उठाते हैं गाइस, रीड करते हैं और देखते हैं पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो भी टास्क होगा उसे कंप्लीट करके मैं ये सूट को अनलॉक करने वाला हूँ। तो फटाफट से पेपर उठाते हैं और देखते हैं टास्क क्या है। तो जैसा कि तुम लोग पेपर के अंदर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है गो टू द बीच यूजिंग स्पोर्ट्स बाइक ऑन रॉन्ग साइड यूजिंग हाईवे विदाउट एनी एक्सीडेंट। तेरी वेट, इतना तो मैंने पढ़ लिया गाइस, बाकी नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब देख सकते हो तुम लोग, वो तो तुम लोग कर ही दोगे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कहने की जरूरत नहीं है गाइस, वो तो तुम लोग कर दोगे। बट ये ड्रामा है गो टू द बीच यूजिंग स्पोर्ट्स बाइक, मतलब हम लोगों को एक स्पोर्ट्स बाइक का यूज करना है, बीच पर जाना है यूजिंग हाईवे, तो हाईवे तो यही है, वो भी रॉन्ग साइड, मतलब उस साइड पे जाना है, मतलब सामने से गाड़ियां आ रही होंगी और मुझे इस साइड से अपनी बाइक को भगाना है, और इस तरीके से करके बीच पहुंचाना है वो भी बिना एक्सीडेंट के। अबे यार ये तो बहुत मुश्किल चीज है लिटरली। मैं गाइस रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, मतलब चलाते ही एक्सीडेंट, ऐसा है सीन, रॉन्ग साइड वो भी हाईवे पर चलाना और मुझे बीच तक पहुंचना है। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर, जरा ड्रोन से देखते हैं बीच कहाँ है। तो देखो गाइज मैं हूँ फिलहाल इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे, और यहाँ से मतलब मुझे शुरू करना है अपने बाइक को भगाना, स्पोर्ट्स बाइक को, और इस साइड चलाना है क्योंकि सामने की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है और मैं अपनी बाइक को ले जाऊंगा इस साइड से। तो इस साइड से फुल स्पीड में भगाते हुए लेकर जाना अपनी बाइक को, और उसके बाद पहुंचना है बीच तक। ओ भाई साहब इधर से निकलते जाना है और ये फाइनली पहुंच गया मैं बीच तक, मतलब यहाँ कहीं तो मुझे अपनी बाइक को ला के रोकना है।
तब ये टास्क होने वाला है कंप्लीट। लिटरली मैं भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक टास्क है आज का, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है भाई। बहुत सारे ट्राइज लगने वाले हैं, बहुत सारी चोटें लगने वाली हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, बट फिर भी मैं इस टास्क को कुछ भी करके कंप्लीट करके रहूंगा क्योंकि मुझे चाहिए स्पाइडरमैन का गॉड सूट। बाकी लकीली एक चीज बढ़िया है, अपने पास स्पोर्ट्स बाइक ऑलरेडी है तो कोई नई बाइक वाइक ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से सबसे पहले तो इस आर्केडियस टावर की पार्किंग में जहाँ पर मैं अपनी बाइक रख के आया था उधर चलते हैं, बाइक को लेकर आते हैं और फिर इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। तुम लोग जाकर यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो अभी कभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाओ गाइज इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करो, सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलते हैं बीच की तरफ हाईवे का यूज करके स्पोर्ट्स बाइक के साथ और रॉन्ग साइड चलाते हुए बिना एक्सीडेंट्स के। अरे ये बहुत मुश्किल चीज है भाई, ऐसे ही तुम लोग मेरी ड्राइविंग तो जानती हो भाई, कितनी ओपी ड्राइविंग करता हूँ मैं। हाँ तो बिल्डिंग हो रही तो वहाँ से चैलेंज स्टार्ट होगा। ओके, जरा इस बाइक को थोड़ा साफ वाफ करवा के आऊँ क्या, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी पड़ी है। सबसे पहले धूल मिट्टी के साथ ही ट्राई करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने गाइस बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया है, इसे कहते हैं देखो रॉन्ग साइड। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और मैं इस साइड से अपनी बाइक को लेकर जा रहा हूँ और मुझे इस साइड से चलाते हुए फुल स्पीड में जाना है और बिना एक्सीडेंट के। लो भाई हो गया पहला एक्सीडेंट। ये तो बहुत ही मुश्किल है यार, ये तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, रॉन्ग साइड तो जाना ही जाता है एक्सीडेंट्स के लिए। किस तरीके से होगा, प्लीज सिंपली करना मुझे, सिंपल जितना हो सके। इस वाली बाइक को धुलवा के लाऊं क्या मैं? यस गाइस, इस वाली बाइक को मुझे लगता है धुलवा के लाना चाहिए, बट उससे पहले एक और ट्राई। ओके, बढ़िया जा रहा है ये वाला ट्राई तो, एकदम अमेजिंग अमेजिंग एकदम जा रहा है। ओहो ओहो, काफी मस्त। अबे टक्कर आ गया यार। चलते हैं यार, सबसे पहले इस वाली बाइक को धुलवा के लाते हैं। तो ये मैं पहुंचने वाला हूँ गाइस अपनी बाइक को धुलवाने के लिए कार वॉश। $15 लेते हैं शायद ये लोग। दिस व्हीकल कैन नॉट बी यूज इन द कार वॉश। अबे यार, तो क्या गाड़ियां सिर्फ धोते हो तुम लोग? तेरी ऐसी के तैसी है। टोपी वाला बंदे मेरे से पंगे क्यों ले रहा है? अबे क्या है, बोलना क्या दिक्कत है, बोल। तेरी लड़ने को तैयार हो रहा है बिल्कुल ही। निकल यहाँ से, निकल तेरी निकल, दिमाग खराब है बेटा। ओके, बाइक ने धुलवा दी, किसी और दुकान से धुलवा के लाता हूँ इसे मैं। चलो तो बाइक को धुलवा कर ला चुका हूँ, बाइक एकदम रेडी है चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो चलते हैं यार बिना किसी दिक्कत के, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं निकल चुका हूँ काफी ज्यादा तगड़ी स्पीड से और बाइक एकदम बढ़िया तरीके से जा रही है और ट्रक से ठुक गया। ओह नो, वापस से आ चुका हूँ मैं बाइक के साथ, इस बार फिर से ट्राई, इस बार पूरी कोशिश रहेगी यार। एक काम करता हूँ, मैं ज्यादा तेज की भगा रहा हूँ, एकदम कंट्रोलेबल वे में आराम से चलाता हूँ बाइक को। जल्दबाजी किस चीज की है, आराम से। ये देखो भाई, ओके बढ़िया बढ़िया, अभी तक नहीं ठुका। जैसे ही बोला मैंने कि अभी तक नहीं ठुका, ठुक गया उसी वक्त। आई एम बैक। ओके वापस, अबे ये तो शुरुआत होने से पहले ही टकरा गया मैं। ओके फिर से, ओके ब्लू ट्रक डॉच कर दूंगा इसे भी, आगे चलते हैं बढ़िया। बीच में रहते हैं, जो बीच में ब्लैक लाइन देख रहे हो तुम लोग, इस पे कोई भी गाड़ी नहीं चलाता है। मैं काम करता हूँ इसी पे टिका रहता हूँ, शायद अपना एक्सीडेंट ना हो। मे बी, ओ वेट, पहली बार इस अंडर ब्रिज तक पहुंचा हूं मैं। ओ पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। अबे टकरा गया भाई, हो जाएगा चैलेंज यार, हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। अबे तू क्या है बे? अच्छा जिसकी गाड़ी से मैं ठुका, एरी ऐसी की तैसी है बे, गाड़ी से ही ठुका हूं, यहां पर चैलेंज कंप्लीट नहीं हो रहा, तेरे को पीटने की पड़ी है। निकल यहां से, निकल नालायक। ओके वापस से चलते पिकनिक पर। तो शुरुआत में आ चुके हैं वापस से। ओके पिछली बार काफी अच्छा ट्राई था हमारा, इस बार फिर से एक बहुत ही ज्यादा दमदार ट्राई देने के लिए मैं तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओ साइड में चलाता हूँ मैं, ये भी तो रॉन्ग साइड ही कंसिडर होगा। यस, मैं साइड में चला सकता हूँ भाई सारे टाइम। अबे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। यस गाइस, मैं इस साइड पे चला सकता हूँ, साइड पे चलाने पे मेरा सूट तो अनलॉक होगा ना, पता नहीं गाइस, आई डोंट नो। मैं तो पहुंच गया बीच, इस साइड चला के इजीली। लो भाई हो गया चैलेंज कंप्लीट, चैलेंज तो कंप्लीट हो गया। क्या मेरा सूट अनलॉक हुआ, आई डोंट नो, चलते हैं जरा। क्या मेरा सूट अनलॉक हुआ, इस वाले बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आया हूँ मैं अपने सूट को देखने के लिए। ओके नहीं यार, जाले लगे हुए हैं। नहीं नहीं, बीच में से ही बाइक को ले जाना पड़ेगा। वही तो मैं सोचू यार, अगर साइड में से ले जाना होता तो अभी तक तो चैलेंज हो गया कंप्लीट। लो भाई, बीच में से बाइक को ले जाना पड़ेगा तभी चैलेंज कम्प्लीट होगा। चलो कोई नहीं, हो जाएगा बीच वाला भी, बीच वाला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइज, कर सकते हैं यार हम लोग। बस तुम लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं फिर से ये जर्नी बीच से जाने की। ओके ये जो ब्लैक लाइन है इस पे मैं चलाने वाला हूँ गाइस वापस से, पिछली बार काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है इस ब्लैक लाइन पे। ओके आराम से, जब ऐसा लग रहा है ना भाई सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है तो मैं बाइक को थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ।
आ गया यार, बहुत मुश्किल होने वाली है ये चैलेंज तो। हेलमेट पहन लेता हूँ, शायद कुछ बढ़िया हो जाए। ओके अभी अभी गाड़ियाँ काफ़ी कम है। ओके मे बी, और रात को ट्राई कर सकता हूँ ना मैं ये चैलेंज, में कोई स्पेसिफिकली टाइम थोड़ी ना लिखा हुआ है। रात के चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा यार, पता नहीं अभी तो फिलहाल मैं दिन में ही करता हूँ, लगता है तो है रात हो जाएगी ट्राई करते करते ही। ओ भाई ये ट्राई बहुत ही ज़्यादा एपिक जा रहा है। उन्नाइस वो काफ़ी एपिक, काफ़ी एपिक। प्लीज़ प्लीज़ टकराना मत कोई गाड़ी, हेलो गाड़ियों टकराना मत प्लीज़ मेरे से। ओ बीच में जा रहा हूँ मैं। ओ फाइनली गाइज कंप्लीट कर दिया मैंने ये चैलेंज। ओ बीच पर पहुँच गया मैं। ओ तेरी भाई साहब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था लास्ट वाला ट्राई, कितना ज़्यादा मज़ेदार था यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे मज़ा आ गया भाई, बीच वाले जो लोग लेटे हुए हैं उनके ऊपर से दो चार बार गाड़ी निकालना तो बनता है यार इस खुशी में। यस गाइस यस फाइनली चैलेंज कर दिया मैंने कंप्लीट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैलेंज था लिटरली। मैंने भाई हार मान ली थी एक टाइम पे, तो मैं सोच रहा था चलो रात को ही करेंगे, बट नहीं यार दिन में लगे आखिरकार ये चैलेंज कर दिया मैंने कंप्लीट। रॉन्ग साइड चलाना बाइक को, वो भी दिन में, वो भी बहुत सारे ट्रैफिक के बीच में, और वो भी फुल स्पीड में, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट ये चैलेंज यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया है। मज़ा आ गया भाई, मज़े ही आ गए। कितने लोगों को मैंने रोन दिया है आई डोंट नो। लेटर रहो भाई बीच पे, सबको रोन डालूंगा मैं, कोई नहीं बचने वाला आज। बाकी वापस चलते हैं गाइज अपने सूट की तरफ, अब सूट तो अनलॉक हो ही गया है, जरा सूट को ट्राई करते हैं, देखते हैं उसके अंदर पावर्स क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंट चीजें मैं कर सकता हूँ। लेट्स गो चलते हैं फटाफट से, बाकी एक आध स्टंट करता हूँ इस स्पोर्ट्स बाइक से मैं। रुक जाओ भाई, यहाँ पर इस लोकेशन पर करूँ मैं, बाइक को एक बम्प मिलना चाहिए तब हो जाएगा स्टंट। यहाँ पर मे भी ये क्या स्टंट था ये, नाइस यार अच्छा था। ओके एक और बम्प इस वाली टेबल से, ओके अमेजिंग। अबे यार हो जाता तो मज़ा आ जाता ये वाला स्टंट। वैसे तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो हेलमेट है भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा, ये वाला हेलमेट ने काफ़ी अच्छा साथ दिया, जब ही हेलमेट पहना उसी वक्त जीत गया मैं इस चैलेंज को, हेलमेट मेरे लिए काफ़ी लकी था यार। बाकी अभी चलते हैं गाइस उस वाली बिल्डिंग पर, अनलॉक करते हैं स्पाइडरमैन का गॉड सूट और ट्राई करते हैं उसे ज़रा। अरे क्यों अब मैं रॉन्ग साइड चढ़ा रहा हूँ भाई, पेड़ पे चढ़ा दिया मैंने गाड़ी, क्या बात है भाई, बाइक चलाने में तो माहिर हो गया मैं। कहाँ गई वो बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग की लोकेशन भूल गया मैं। अरे नहीं, मेज बैंक बिल्डिंग के पास छोटी सी बिल्डिंग थी, तीन मंजिल की, मतलब तीन मंजिल की नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग थी, बट हाँ ऐसे तीन सेक्शंस में बटी हुई थी वो बिल्डिंग। अरे कहाँ गई वो बिल्डिंग यार, इतनी दूर आ गए मैं उस बिल्डिंग से। इसको यार यहाँ से राइट चलते हैं ज़रा, और फिर यहाँ से भी राइट लेते हैं, हाईवे पर थी वो बिल्डिंग, हाईवे कहाँ गया, ये तो रहा हाईवे, वो बिल्डिंग कहाँ गई, वो रही आगे की साइड। फाइनली गाइस बिल्डिंग ढूंढी ली मैंने, तो अभी उस पर चलते हैं फटाफट से वो लेकर पैराशूट, और ज़रा अपने स्पाइडरमैन के सूट को ट्राई करते हैं, देखते हैं अनलॉक हो गया कि नहीं, अब तो हो ही जाना चाहिए अगर तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा तो। अपनी बाइक को यहीं रखता हूँ मैं, चलते हैं बिल्डिंग के टॉप पर। बिल्डिंग के टॉप पर हूँ मैं, यहाँ से पहले नीचे, यहाँ से फिर वापस से नीचे, यहाँ से एक और बार नीचे, और फिर इसके बाद एक और बार फाइनली नीचे, और फिर यहाँ से एक और बार नीचे, और फिर ग्लाइड, और फिर उस वाले बिल्डिंग पर पहुँच जाऊँगा मैं। ये है तरीका उस बिल्डिंग पर जाने का, काफ़ी अजीबोगरीब तरीका है बट क्या कर सकते हैं, यही तरीका है। लो भाई प्यार से बिल्कुल, ओह क्या ऑलमोस्ट लैंडिंग हुई, नीचे गिरता अभी मैं। ओ सूट अनलॉक हो चुका है, चलो गाइस इस सूट को पहनते हैं और ज़रा ट्राई करते हैं इसे। ओके सूट तो भाई काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रहा है, देख सकते हो भाई काफ़ी मस्त पीछे इसके विंग्स निकले हुए हैं, मज़ा आने वाला है भाई स्पाइडी के सूट को पहन के। बाकी इसके अंदर पैराशूट भी है और डिफरेंट पावर्स भी है, बाकी पावर्स को टेस्ट करेंगे गाइस नेक्स्ट टाइम। अगर तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। स्पाइडरमैन का सूट तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में जाकर बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।